तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं जेली, वो भी इस कंपनी से जेली क्रिस्टल, और वो है मैंगो फ्लेवर की। तो चलिए चम्मटक के वेजिटेरियन 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे इस तरीके इसकी पैकेज में आती है, तो हम इसको कट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से आती है, यहाँ पे ये जो है वो भी यहाँ पे है, और ये जो है यहाँ पे वो भी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अंदर का जो हमें प्रीमिक्स मिला है तो वो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले। यही तो क्रिस्टल्स है, मैंगो क्रिस्टल्स कहते हैं हम इसको। पूरा पैकेट हमने खाली कर दिया है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल्स है ना मैंगो के। देखिए इसमें जो हमें दिया है व्हाइट व्हाइट सा है वो भी डालेंगे इसमें। साला ये साला हम इसमें डाल देंगे, और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हाय, ये है मेरी बहन, उसको मिक्स करना बहुत पसंद है इसलिए वो मिक्स कर रही है। तो हम जल्दी से इसको मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक हम पानी को गर्म होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा पानी जो उबल गया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है उबलता हुआ गर्म पानी, और यहाँ पे ये देखो मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। 1 कप लिया है पानी में मेजरमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले जो 1 कप है वो हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद और 1 कप लेंगे और वो भी इसमें हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। हमें जब तक इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरा डिजोल्व नहीं हो जाता, तब तक हमें इसको मिक्स करना ही है, मतलब करते ही रहना है। देखिए अभी ये पूरा डिजोल्व होना चाहिए, इसमें जो चीनी है तो पूरी डिजोल्व होनी चाहिए, तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। देखो अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको मोल्ड करेंगे। मोल्ड आप कौन सा भी ले सकते हो। तो देखिए ये हमारा मैंगो फ्लेवर है, कौन सा भी फ्लेवर ले सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम इस मोल्ड में डालेंगे किसी तरीके से, और इसको हम फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पे जो लॉन्ग्स आए हैं देखिए ये हम निकालेंगे, तो हमारी जेली में भी वो आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जब जेली वैसे की वैसे ही बनती है, इसीलिए। तो हम जल्दी से इसको रखेंगे किसमें, तो फ्रिज में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया है 1 घंटे के लिए, इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। देखिए अब इसके बाद हम इसको और भी एक मोड में डालेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको डाल रही हूँ एक प्लेट में। देखिए यहाँ पे ये जेली बन गया है, देखिए ये जब भी गाढ़ा हो जाता है तब तक ये बन जाता है। तो इसको भी हम करेंगे इसी तरीके से। देखिए अभी भी जेली बन ही गया है मेरे को लग रहा है, चलिए जल्दी से करते हैं इसको, और इसको भी हम रखेंगे फ्रीजर में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको आइस मोल्ड में भी लग दिया है, तो हम इसको भी रखेंगे फ्रीज में। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे तैयार हो गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे, कि मेरे को लगा तो था कि यहाँ पे 1 घंटा लगेगा इसको, बट इसको 1 घंटा भी नहीं लगा है। तो हम इसको डिमोल्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए किस अच्छी तरीके से यहाँ पे निकल गया है, हाथ धो लिया है मैंने। वाह देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये बन के आया है, वहाँ कितना ट्रांसपेरेंट है। देखिए इसका कितना अच्छा जो शेप आया है, तो चलिए इसकी कटिंग हो जाए। तो हैप्पी न्यू ईयर है इसके, ये हमने बनाया। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कटिंग हो के आया है। तो देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से कट जाता है, ओ वाओ नाइस। देखिए यहाँ पे आप फिर से एक बार देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से ये कट जाता है, और एंजॉय दिस एंड बाय।